वेल हेलो एंड वेलकम टू लाइफ एंड लेयर्स। मैं संदीप आज फिर स्टार्ट करने वाला हूं एक नई प्लेलिस्ट जो है मीडिया एनकोडर के ऊपर। बहुत छोटी सी होगी, ज़्यादा बड़ी नहीं होगी, पर मीडिया एनकोडर के बारे में आप लोगों को जानना बहुत ज़रूरी था। सबसे पहले चीज़, एक गलत फहमी है, एक मिसकंसेप्शन है लोगों का, वो क्लियर कर देता हूं कि मीडिया एनकोडर एक स्टैंड अलोन सॉफ्टवेयर है। उसको चलने के लिए किसी अलग सॉफ्टवेयर की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे प्रीमियर को चलने के लिए किसी और सॉफ्टवेयर की ज़रूरत नहीं है, वैसे ही मीडिया एनकोडर को भी किसी और सॉफ्टवेयर की ज़रूरत नहीं है। हाँ, पर उसका एक बेनिफिट ये है मीडिया एनकोडर का कि वो प्रीमियर, आफ्टर इफेक्ट्स, एडोबी के कुछ सॉफ्टवेयर और हैं जैसे कैरेक्टर एनिमेटर, उन सब की हेल्प कर देता है एक्सपोर्टिंग में। मीडिया एनकोडर हमारा एक ये हेल्प कर देता है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो खुद से चल सकता, मीडिया एनकोडर खुद से चल सकता है। अब मीडिया एनकोडर को समझने के लिए सबसे पहली चीज, मीडिया एनकोड, आप मीडिया को एनकोड करते हो। एनकोड का मतलब आप समझ जाओ कि ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। मैंने आपको एक MP4 फाइल दिया और मैंने कहा कि आप अपने इसको PC में रन करो, चाहे वो एप्पल हो चाहे विंडोज हो, आपने उसको रन किया। आप जैसे उसको रन करोगे तो उसको रन करने के लिए आपके पास कोई एप्लीकेशन होगी। जैसे फॉर एग्जांपल विंडोज में मैं बोलता हूँ VLC मीडिया प्लेयर, ठीक है, जैसे मैं VLC मीडिया प्लेयर यूज़ करता हूँ, जैसे मैं फाइल पे क्लिक करूंगा तो VLC मीडिया प्लेयर उसको ओपन करके मुझे MP4 फाइल को दिखा दे। क्यों दिखा पा रहा है वो? क्यों? क्योंकि उसके पास सारी इन्फॉर्मेशन है MP4 फाइल को डिकोड करने की, आपको दिखाने। अब डिकोड वर्ड कहाँ से आया? जी हाँ, जब भी आप किसी भी वीडियो को प्रीमियर प्रो से या फिर खुद से मीडिया एनकोडर के अंदर आप एनकोड करते हो, मीडिया एनकोडर एक्चुअली एनकोडिंग करता है। एनकोडिंग करना कुछ नहीं है, सिंपल आप उसको बताते हो कि आपको इस कोडेक के तहत आपको एनकोड होना है। फॉर एग्जांपल H.264 एक कोडेक है। मैंने कोई भी वीडियो एडिट किया प्रीमियर प्रो के अंदर और मैं उसको मीडिया एनकोडर के थ्रू उसको एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, एनकोड कर रहा हूँ H.264 कोडेक के थ्रू। H.264 कोडेक के थ्रू मैंने उसको एनकोड किया, मतलब एक्सपोर्ट कर दिया, एनकोडिंग मतलब एक्सपोर्टिंग कर दी मैंने। तो मैंने उसको क्या किया, कंप्रेस किया। जो कोडेक वर्ड है ना, वो कंप्रेसर और डीकंप्रेसर से मिला है, कंप्रेसर और डीकंप्रेसर से बनकर मिला है। तो मैंने कंप्रेशन किया उसका, एनकोडिंग की उसकी मीडिया एनकोडर के थ्रू, उसका कंप्रेशन किया। किस कोडेक के थ्रू? H.264 के थ्रू। और H.264 बाय डिफॉल्ट .MP4 फाइल जनरेट करता है। अब वो MP4 क्या है? वो है कंटेनर। समझाता हूँ एक चीज़ और। मैंने एनकोडिंग करी, मैंने जब एनकोडिंग करी अब तो मैं उसको कंप्रेस कर रहा हूँ, उस फाइल को मैं कंप्रेस कर रहा हूँ। और कंप्रेस करने के लिए आप उस फाइल का जितना भी कंटेंट है ना, जितना भी कंटेंट है, वीडियोज हो, ऑडियोज हो, सबटाइटल्स हो, कुछ भी हो, वो सारे एक कंटेनर के अंदर डाल दिए जाते हैं। उस कंटेनर का नाम है MP4। कोडेक क्या हुआ? H.264। कंटेनर क्या हुआ? MP4। आपका MP4 तैयार हो गया। अब MP4 आप अपने PC के अंदर लेके गए, आपके VLC के पास, VLC मीडिया प्लेयर के पास MP4 फाइल को चलाने के लिए, MP4 कंटेनर को चलाने के लिए सारी इन्फॉर्मेशन रहती है। तो वो उस MP4 के जो कंटेनर है, उस बॉक्स को ओपन कर देता है, मतलब डीकंप्रेस करके आपको शो कर देता है। ये होता है कंप्रेशन डीकंप्रेशन, कोडेक, को कंप्रेशन, डेक डीकंप्रेशन। तो आप कोडेक यूज करते हो। तो कोडेक क्या हुआ? H.264 एक कोडेक हुआ, ठीक है, क्विक टाइम, एप्पल प्रोग्रेस जो क्विक टाइम है वो एक कोडेक हुआ। और उनके अंदर जो जैसे MOV हुआ, AV1 हुआ, AVI हुआ, MP4 हुआ, ये सब क्या होते हैं? कंटेनर्स, ठीक है। तो मीडिया एनकोडर का काम सिर्फ यही है, एनकोडिंग का। अब आप कैसे करवा रहे हो, कैसे यूज़ करते हो, वो अलग चीज़ है। आप प्रीमियर के थ्रू कर रहे हो या फिर आफ्टर इफेक्ट के थ्रू कर रहे हो या फिर सीधा मीडिया एनकोडर को यूज़ कर रहे हो, तो ये है। चलो थोड़ा सा इंटरव्यू दे देता हूँ उसके बारे में, इसके वर्क स्पेस के बारे में। ये मीडिया एनकोडर मैंने ओपन किया हुआ है, मैंने और कुछ साथ में ओपन इसके नहीं किया। इसका वर्क स्पेस बहुत सिंपल है, गिने चुने से कुछ विंडोज़ हैं, जैसे ये क्यूइंग का विंडो है, ये मीडिया ब्राउज़र का विंडो है, ये प्रीसेट ब्राउज़र का विंडो है, और ये एक एनकोडिंग का विंडो है। ये वॉच फोल्डर इसके साथ ही रहता है। सारे आपको विंडोज़ यहाँ पे मिल जाएंगे, जो भी आपको ओपन करना हो आप ओपन कर सकते हो, ये रहा वॉच फोल्डर। दूसरा, फाइल पे जाओ, ऐड सोर्स। जैसे मैं ऐड सोर्स पे क्लिक करूँगा तो देखिए मुझे सोर्स ऐड करने के लिए बोल रहा है। उसने बोला कि आपको क्या सोर्स, मान लो मैंने कहा कि आप भैया मेरा पिछला वीडियो, ये वाला जो वीडियो है, इसको आप कंप्रेस करो। जैसे ऐड सोर्स किया तो ये यहाँ पर ऐड हो गया, क्यू के अंदर ये ऐड हो गया। यहाँ से आप H.264 दे सकते हो और उसका प्रीसेट दे सकते हो कि भाई H.264 कोडिंग तो करनी है पर किस प्रीसेट के तहत, ठीक है। ये तो हो गया जब आप ऐड सोर्स करते हो। यहाँ से आप सीधा आफ्टर इफेक्ट की कंपोजिशन भी ऐड कर सकते हो, प्रीमियर प्रो की सीक्वेंस भी डायरेक्टली ऐड कर सकते हो। जैसे मैंने प्रीमियर प्रो की सीक्वेंस ऐड करी और वैसे उस सीक्वेंस के अंदर एक्चुअली जो प्रीमियर प्रो का प्रोजेक्ट था उसके अंदर तीन सीक्वेंस थे, तो वह पूछ रहा है कि तीनों को करना है या सिर्फ एक को करना है, जिसका आपका मन करे आप उसको कर लो। जैसे मैंने तीनों को किया, मान लो इम्पोर्ट, तीनों यहाँ पर आ गए, ठीक है।
आप सीधा यहाँ से यहाँ पर क्लिक करोगे और एनकोडिंग स्टार्ट हो जाएगी S264 कोडेक के थ्रू, ठीक है। कंटेनर वो MP4 यूज़ करेगा, मैंने उसको किया यहाँ से बंद। इसके अंदर वॉश फोल्डर में आपको बाद में बताऊंगा। तो एड सोर्स कंपोजिशन सीक्वेंस, अब ये क्या है, शो लॉग। जब भी आप यहाँ पे कुछ एक्सपोर्टिंग वगैरह करते हो तो कई बार आप लोगों के साथ हुआ होगा कि मीडिया एनकोडर ने प्रोजेक्ट फेल कर दिया। आप प्रीमियर प्रो का प्रोजेक्ट को रन कर रहे हो, आपने एक्सपोर्टिंग करी मीडिया एनकोडर के थ्रू, वो फेल हो जाता है। फिर जैसे मेरे साथ भी कई बार हुआ है, तो फेल हुआ, आपको पता नहीं चला क्यों फेल हुआ है वो, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, आप शो लॉग में जाओगे। तो देखिए यहाँ पे आपको जितने भी आपने एक्सपोर्टिंग करी है ना, जितनी भी एक्सपोर्टिंग करी है आपने आज तक, क्यू स्टार्टेड, अगर फेल स्टॉप द क्यू स्टॉप्ड फाइल एनकोडेड विद वार्निंग, तो वो जो फेल वाला होगा वो लॉग भी यहाँ पर जनरेटेड हो जाएगा। और बकायदा जब वो फेल वाला जो लॉग जनरेट किया, फाइल सक्सेसफुल एनकोडेड, ऐसे वहाँ पर आएगा फाइल एनकोडिंग फेल्ड। और आपको यहाँ पे ना बकायदा एक टाइम कोड मिलेगा, एनकोडिंग टाइम, यहाँ पे वो टाइम भी देता है कि इस टाइम कोड पे कुछ प्रॉब्लम हुआ और वहाँ पर वो फेल हो गया। तो आप वही टाइम कोड देख लो और प्रीमियर के अंदर जाओ और वहाँ पर देखो कि उस टाइम कोड पे क्या हुआ था ऐसा। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे साथ ऐसा हुआ था कि मैंने एक, मेरे पास क्लिप थी बहुत हाईली कलर ग्रेडेड थी, वो फेल हो गया। तो मैंने यहाँ लॉग में जाके देखा, तो मैंने देखा कि यार इस टाइम कोड पे फेल हुआ, उस टाइम कोड को मैंने अपने प्रोजेक्ट में, प्रीमियर के प्रोजेक्ट में जाकर उस सिक्वेंस के अंदर टाइम लाइन के ऊपर मैंने उस जगह जाकर देखा, तो मैंने वहाँ पर एक डिप टू ब्लैक लगाया हुआ था। तो मुझे लगा, समझ में आ गया कि इस पॉइंट पर फेल हुआ है, वो क्यों एनकोडिंग फेल हुई है। तो मैंने क्या किया, सिंपल कुछ नहीं किया था, मेरे को उससे रिजल्ट मिल गया था। मैंने क्या किया था, उस क्लिप को नेस्ट कर लिया था और नेस्ट करने के बाद उस क्लिप के ऊपर मैंने डिप टू ब्लैक लगाया और मैंने एनकोडिंग करी, एक्सपोर्ट हो गया। तो यहाँ से आप लॉग देख सकते हो आपके एनकोडिंग का, जो भी एनकोडिंग हो रही है उसमें क्या प्रॉब्लम आया, क्या एरर आया वो आप देख सकते हो। और सिंपल ये तो फिर शो एरर्स, ये रहा देखो, द ऑपरेशन वॉज इंटरप्टेड बाई यूजर, सर यहाँ मिलेगा आपको वो, ये रहा एनकोडिंग फेल, ठीक है, ये एनकोडिंग फेल हुई है। द ऑपरेशन वॉज इंटरप्टेड बाई यूजर, मैंने बंद किया था एक्चुअली ये, इसलिए अगर कोई एरर होता ना तो वहाँ पे आपको टाइम कोड दिखता है। मैं आपको दिखाऊंगा अभी आने वाली किसी क्लास में दिखा दूंगा मैं आपको, मुझे एक्चुअली याद नहीं आ रहा ये कैसे टाइम देता है पर यहाँ देता है वो टाइम, यहाँ पर वो देता है आपको पूरी इन्फॉर्मेशन भी दे रहा है, वीडियो आपका ये है, स्क्वायर पिक्सल्स है, ये फ्रेम रेट है, प्रोग्रेसिव है, 275 LG 58, दुनिया भर की चीज़ें दी हुई हैं इसने, ठीक है, ऑडियो बिट रेट जो सब सारी इन्फॉर्मेशन आपकी एक्सपोर्ट की दे रहा है वो। ये मीडिया ब्राउजर है इसका, आप मीडिया ब्राउजर से भी डायरेक्टली आप क्लिप को इंपोर्ट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं इसके अंदर, मुझे लगा कि मुझे ये फोल्डर बार बार यूज़ करना पड़ रहा है किसी वजह से, तो मैं क्या करूँगा, इस पर राइट क्लिक करूँगा और इसको कर दूँगा ऐड टू फेवरेट्स। और क्योंकि अब मीडिया ब्राउजर के अंदर एक्चुअली जाके क्लिप्स को ढूंढना बहुत भारी हो जाता है, ढूंढने में बहुत प्रॉब्लम होती है, तो मैंने क्या किया उसको फेवरेट्स में ऐड कर दिया। फेवरेट में ऐड किया, देखो वो मुझे यहाँ दिख जाएगा, तो मुझे बार बार ढूंढने की जरूरत नहीं है, बार बार अंदर जाने की। आप फेवरेट में ऐड कर सकते हो, चाहो तो फिर फेवरेट से निकाल भी सकते हो, रिमूव फ्रॉम फेवरेट्स, ओके। तो यहाँ से भी आप कर सकते हो ऐड सोर्स, यहाँ से भी कर सकते हो, कंपोजिशन कर सकते हो, सीक्वेंस कर सकते हो। यहाँ से करना तो सिंपल, आपकी जो ड्राइव्स हैं वो मिल जाती हैं, आप उनके अंदर जाओ। तो ये तो छोटा सा इंट्रो, वर्कस्पेस एक ही सिंगल वर्कस्पेस है, डिफॉल्ट वर्कस्पेस, उसके अलावा कुछ नहीं है इसके अंदर। और ये 4-5 विंडोज हैं, कंपोजिशन सीक्वेंस खुद से ऐड सोर्स कर सकते हो और उनको एनकोड कर सकते हो। आगे जाके चीज़ें बताऊंगा इसमें प्रीसेट्स के बारे में, चलो नेक्स्ट क्लास में बताता हूँ, सब कुछ भी बोल नहीं रहा कुछ भी। चलिए मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर, ओके बाय।